का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और ये टोटल जो क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस पे बेस्ड है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बना रखा था कंडीशनल सेंटेंस का रूल्स, आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस का बनाने का ट्रिक आप सीख लीजिए। यहाँ पे कुछ ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो मात्र 2 सेकेंड में आप किसी भी एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ट्रिक नंबर 1 में क्या, अगर आपको कहीं ये हेड देख गया, ठीक है, अगर हेड आपको दिख रहा है तो हेड के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, वुड, वुड हैव, ठीक। तो कहने का मतलब जहाँ पे हेड है वहाँ पे वुड हैव लगा दीजिए, जहाँ पे वुड हैव दिखे वहाँ पे हैड लगाना होगा। कहने का मतलब जहाँ पे अगर हैड है उस सेंटेंस में जो मेन क्लॉज में होगा, मेन क्लॉज में जो होगा वो क्या होगा आपका, वुड हैव होगा। और यहाँ पे जो ये क्या है, इफ़ क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है और ये क्या है आपका, इफ़ क्लॉज, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। अगर स्टार्ट में समझ लेते हैं तो बाद में परेशानी नहीं होगा। ये वाला सेंटेंस जो कि इफ़ क्लॉज होगा, और इधर वाला जो सेंटेंस होगा मेन क्लॉज होगा। अगर आपका इफ़ क्लॉज में हैड है तो मेन क्लॉज में वुड हैव लगाइए, अगर मेन क्लॉज में वुड हैव है तो आप इफ़ क्लॉज में हैड लगाइए। तो पहला ट्रिक है, ठीक। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आपका सामने अगर अनटिल, ठीक, अनटिल दिख गया या अनलेस दिख गया, ठीक है, अगर अनटिल दिख गया, अनलेस दिख गया, तो इसके साथ कभी भी आप विल नॉट यूज़ नहीं करें, विल नॉट का यूज़ नहीं करें, ठीक। अगर आपको कहीं पे ये दिख गया विल नॉट, तो क्या कीजिए, इसका यूज़ नहीं कीजिए, अनटिल और अनलेस। पहला ट्रिक ये हो गया, दूसरा ट्रिक ये हो गया, तीसरा ट्रिक ये है कि इफ़ क्लॉज के साथ विल का यूज़ नहीं करें, ठीक। इफ़ क्लॉज के साथ, इफ़ क्लॉज के साथ आप क्या करिए, बिल का यूज़ नहीं करिए। तीसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक, इफ़ क्लॉज के साथ बिल का यूज़ नहीं कीजिए, अनटिल अनलेस के साथ विल नॉट का यूज़ नहीं कीजिए। अगर इफ़ क्लॉज में अगर आपका हैड यहाँ दिखता है तो मेन क्लॉज में वुड हैव होगा। अगर आपका चौथा ट्रिक ये है कि अगर आपका इफ़ क्लॉज में अगर आपका वी टू है तो मेन क्लॉज में आपका वुड प्लस वी वन होगा। तो कुछ ऐसा नियम है जिसको आप दिमाग में रख लीजिए, ये 4-5 जो ट्रिक आपको मैंने सिखा है इसको रख लीजिए, जो कि आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। बाकी आपका कंडीशनल सेंटेंस का बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट में रहे तो, अगर इफ़ क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट में रहे तो मेन क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर में होगा। अगर आपका इफ़ क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक, अगर आपका सॉरी पास्ट परफेक्ट में है तो आपका जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड हैव भी3 का यूज़ होता है। और अगर आपका जो है मेन इफ़ क्लॉज अगर आपका V2 में है तो आपका पास जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या होगा, वुड V1 होगा। तो चलिए उसको यहाँ पे इस एरर के साथ जिक्र करते चलेंगे ताकि समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ही केम टू, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मी छूट गया, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अब यहाँ पे क्या गलती है, अब यहाँ पे समझिएगा, पहले मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको यहाँ पे वुड हैव दिख गया, वुड हैव दिख गया तो क्या होना चाहिए, ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज ये, अगर मेन क्लॉज में आपका वुड हैव है तो इफ़ क्लॉज में क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। तो आपका एरर किस पार्ट में है, ए वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पे इफ़ ही हैड कम टू मी होना चाहिए था, इफ़ ही हैड यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो मेन क्लॉज में अगर आपको वुड हैव दिखा तो इफ़ क्लॉज में आप हैड उसको लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो इसमें कहाँ पे गलती है, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। अभी वुड हैव तो है यहाँ पे, सही है, वुड हैव, और यहाँ पे V3 भी होना चाहिए भाई, वुड हैव के साथ साथ यहाँ पे V3 भी होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में सेंटेंस में वुड हैव V3 था, तो हमने क्या किया था, जो मैं इफ़ क्लॉज था उसमें क्या किया था कि हैड का यूज़ किया था। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी देख लीजिए वुड हैव V3 है, तो यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है, हैड का यूज़ किया गया है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक, हैड प्लस इसका दूसरा का स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक, ये होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड हैव प्लस V3, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप
आई वुड इन्फॉर्म हिम। अब इसमें कहाँ पे गलती है, अब आपको यहाँ पे गलती ढूंढना है। तो देखिएगा यहाँ पे इस जो ये वाले जो सेंटेंस है थर्ड में, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम, तो इस वाले जो सेंटेंस में गलती जो होगा, इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट हैड भीतरी हो, यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ सब्जेक्ट यहाँ पे देखें, इफ़ सब्जेक्ट हैड यहाँ पे भीतरी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर इफ़ क्लॉज में अगर हैड दिखे तो मेन क्लॉज में आपका वुड हैव होगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे इफ़ क्लॉज में हैड दिख रहा है तो मेन क्लॉज में क्या होगा, वुड के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। तो इस हिसाब से यहाँ पे बी पार्ट में गलती है। पहला वाला पार्ट में तो आपको समझ में आ गया था कि कहाँ पे गलती है, तो पहला वाला में ए में गलती था, दूसरा वाला में कोई गलत नहीं था, नो एरर, और थर्ड वाला में आपको बी पार्ट में गलती है। हैड जहाँ दिखा इफ क्लॉज में आपका मेन क्लॉज में वुड हैव होगा, ठीक। ये ट्रिक है इसको समझने का या पकड़ने का एरर को। अब आते हैं कि इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज च्वाइस। पता है इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने 2 सेकंड में इसको मैंने क्लियर कर लिया। क्यों क्लियर कर लिया बताया, इफ़ क्लॉज के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होगा, इफ़ क्लॉज के साथ विल का यूज़ नहीं होगा तो आपका ए पार्ट में गलती है। अभी मैंने सिखाया था ए पार्ट में यहाँ पे गलती है। चलिए अब आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अनलेस आई डोंट, अरे वाह यहाँ पे जैसे ही अनलेस दिखा, अभी मैंने सिखाया था कि अनलेस और अनटिल के साथ निगेटिव नहीं होता है, नॉट का यूज़ नहीं होता या विल नॉट का यूज़ नहीं होता, जहाँ पे अनलेस दिख गया यहाँ पे देख रहे हैं डू नॉट का यूज़ नहीं होगा, तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। और अनलेस जो कि आपको शर्त को सूचित करता है और अनटिल की बात करते तो टाइम को सूचित करता है, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि अनटिल जो होगा आपका, अनटिल टाइम को सूचित करेगा और अनलेस जो है आपका किसका सूचित करेगा, कंडीशन का, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। अब यहाँ पे क्या गलती होगा, यहाँ पे क्या गलती है तो याद रखिएगा, यहाँ पे फिर से देखिए, बिफोर जो है, बिफोर के बाद कभी विल सेल का प्रयोग नहीं होगा, ये ट्रिक है, बिफोर के साथ कभी विल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। बिफोर के साथ भी आपका कहने का मतलब इफ़ क्लॉज में जो भी होगा, इफ़ क्लॉज में सिर्फ आपका इफ़ ही नहीं आता है, ठीक, इफ़ क्लॉज में आपका बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इनकेस हो गया, वेन हो गया, लेस्ट हो गया, इफ़ हो गया, तो इफ़ क्लॉज में विल का यूज़ नहीं होता है, तो एर इसमें एरर कहाँ फाइंड हो गया, ए। तो जहाँ पे इफ़ क्लॉज दिखे, इफ़ क्लॉज में जरूरी है कि इफ़ लिखा रहे, इफ़ भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, तो यहाँ पे विल का प्रयोग ना करें। चलिए 7 में क्या होगा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 में, यहाँ पे 7 में वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, ठीक। अब देखिए आफ्टर वाला वर्ड जहाँ पे दिखेगा आपको, तो एक यहाँ पे जो इफ क्लॉज है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, मीन्स की प्रेजेंट की घटना अगर एक खत्म हो जाए तो दूसरी उस पर निर्भर करता है, अगर ऐसा रहे तो आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन के साथ यहाँ पे क्या लगाइएगा आप, यहाँ पे लिख लीजिएगा हैज़ होगा, ठीक, यहाँ पे हैज़ फिनिश्ड होगा, तो सी पार्ट में गलती है, मीन्स कि एक जो प्रेजेंट की जो घटना, दो घटना, एक होने के बाद ही दूसरा संभव है, एक होने के बाद ही दूसरा संभव है, तो जो पहले जो घटना घटेगा उसमें वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, दूसरा जो होगा फ्यूचर में होगा, ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तो हम लोग उस सच्चाई को जान पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। अब देखिए अनटिल के साथ मैंने बताया था कि नॉट का प्रयोग नहीं होता है, अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, तो ए इसका एरर पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ I had money, I will have lend it to her. अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए if clause में आपका क्या दिख रहा है, if had, यहाँ पे 9 नंबर में देख लीजिए क्या होगा, if had, अगर आपको अभी तो मैंने ट्रिक बताया कि अगर if clause में had दिखता है तो मेन क्लॉज में would have होगा, तो यहाँ पे will की जगह पे क्या होगा, would होगा,
बिल के जगह पे क्या होगा, उड होगा, तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। तो देख लीजिए, जब यहाँ पे इमेजिनरी वर्ड, जब आपका इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी कल्पना, कल्पना की बात की जाए, कल्पना की बात किया जाए, एक कोरी कल्पना हो, तो वहाँ पे इफ आई के साथ हमेशा आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ हम वहाँ वेयर का यूज़ करते हैं। तो आपका ए पार्ट में यहाँ पे गलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। सपोज ही डजंट एग्री व्हाट कुड वी डू। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस में, तो देखिए यहाँ पे जो है, सपोज यहाँ पे फिर से वही कंडीशन वाली बात हो रही कि एक घटना जो होगा, ठीक, के घटने के बाद ही दूसरा घटना जो होता है। सपोज ही डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू, अगर वो एग्री नहीं होता है तो क्या करे कर सकते थे या फिर क्या करते हैं। तो यहाँ पे कुड को हटाइए यहाँ पे 11 में, और क्या कीजिए, कैन का यूज़ कीजिए। ठीक, अगर जैसे कि यहाँ पे याद रखिए कि कुछ सेंटेंस ऐसे जो कंप्लीट जो होते हैं प्रेजेंट का फील कराता है, प्रेजेंट जो कम्प्लीटली जो होता है प्रेजेंट में होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो इफ़ जो क्लॉज होता है वो तो आपका प्रेजेंट में होता है, साथ ही साथ दूसरा जो क्लॉज भी होता है वो भी आपका प्रेजेंट में होता है। इफ़ तो क्लॉज आपका प्रेजेंट में होता ही होता है, और मेन क्लॉज भी आपका प्रेजेंट में होता है, अगर एक घटना पूरी कंप्लीट प्रेजेंट में ही घटी हो तो। ठीक है, चलिए यहाँ तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग इफ यू डोंट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। अब देखिए, सपोजिंग जहाँ पे वर्ड दिखेगा आपको, ठीक, जब भी आपको सपोजिंग वर्ड दिखेगा तो उसके साथ इफ़ का प्रयोग नहीं करते, इफ़ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ से ए पार्ट मिरर है। कभी भी आपको सपोजिंग दिख जाए इफ़ मत लगाइएगा वहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 में, कि इफ़ आई हैड टू हाउसेज आई वुड हैव गिवन वन टू यू। अगर मेरे पास दो हाउस होते, दो घर होते, तो क्या करते यहाँ पे 13 में, कि मैं उसे दे देता, उनमें से एक को मैं दे देता, तो क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने बताया था कि यहाँ पे कि इफ़ जो होता है, इफ़ तो हैड तो होता ही होता है, लेकिन उसके बाद भीतरी भी तो होना चाहिए था ना। हैड तो होता ही, हैड का मैंने नियम बताया था कि हैड के साथ वुड हैव होता है, ठीक है। इफ़ क्लॉज में हैड दिखे तो वहाँ पे मेन क्लॉज में वुड हैव होगा, लेकिन साथ में भीतरी भी होना चाहिए। अगर इधर भीतरी है तो इधर भी भीतरी होना चाहिए, तो यहाँ पे तो भीतरी होगा नहीं इफ़ क्लॉज में, ठीक है। इफ़ क्लॉज में यहाँ पे ये प्रेजेंट का, यहाँ पे हैव के सेंस में बता रहा, प्रेजेंट के सेंस में बताया था, इफ़ आई हैड टू हाउस, अगर मेरे पास दो घर होता, ये एक कल्पना के तौर पे किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वुड हैव जो यहाँ पे है, आप इसको वुड को काटिए, यहाँ पे विल को यूज़ करिए, ठीक, यहाँ पे विल का यूज़ करिए, ओके। अगर आपका इमेजिनरी है, अगर ऐसा सेंटेंस में कि इफ़ आई हैड टू हाउसेज आई विल हैव गिवन वन टू यू, क्योंकि एक जो होता है, अगर आपका एक अगर प्रेजेंट में होता है तो दूसरा जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, फ्यूचर में होता है। ये तो आपने सीखा ही होगा कि एक क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट में है तो दूसरा क्या होता है, आपका फ्यूचर में होता है। चलो ये तो हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते कि इफ़ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। तो यहाँ पे 14 में जो होगा क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए V2 है, यहाँ पे क्या है V2, और V2 में क्या बताया था कि जब भी V2 रहे तो ये, अगर इफ क्लॉज में V2 रहे तो मेन क्लॉज में क्या होगा, आपका वुड प्लस V1 होता है। तो यहाँ पे व्हाट विल की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वुड होगा, तो आपका बी पार्ट में यहाँ पे गलती है, और इसमें भी बी पार्ट में गलती था, नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे विल की जगह पे क्या करिएगा, वुड करिएगा, क्यों, क्योंकि आपका पहला पार्ट में V2 है तो दूसरा पार्ट में वुड प्लस V1 होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 में। इफ़ बी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। अब बताइए कि जैसा कि मैंने तो इफ़ क्लॉज के साथ कभी भी यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होता है, तो ए पार्ट में सीधे गलती हो गया, मैंने देखा और आंसर मैंने बता दिया।
चलिए यहाँ तो बात समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन द ट्रबल। अब देखिए, सपोज के साथ मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, तो ए पार्ट में आपका यहाँ पे एक तुरंत आपका एरर दिख गया, एक बार में आपको एरर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब अनलेस के साथ मैंने बताया था कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे बी पार्ट में आपका गलती हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए लीजिए, यहाँ पे 18 में जो होगा यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे आपका इफ़ क्लॉज जो है पास्ट टेंस टेंस में, ठीक है, इफ़ क्लॉज जो क्या है पास्ट टेंस में है। तो अभी बताया था कि V2, अगर आपका V2 जो अगर है पास्ट टेंस में रहे इफ़ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में क्या होगा, मेन क्लॉज में आपका विल का वुड हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा, तो यहाँ पे कुड होगा, ये काटिए, और यहाँ पे बी पार्ट में यहाँ पे गलती आपका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, 19 में क्या होना चाहिए। तो अनलेस यहाँ पे देख लीजिए, आई विल वेट फॉर यू, यहाँ पे वेट फॉर यू मतलब कहीं ना कहीं टाइम को डिनोट कर रहा है, आई विल वेट फॉर यू कहीं ना कहीं टाइम को बता रहा है, और टाइम के लिए हम अनलेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं बल्कि अनटिल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में गलती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी सवाल है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आई वाज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन नो एरर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या गलती होगा, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे देखिएगा कि अब ये जो इमेजिनरी वाला बात हो गया, ठीक, आई इफ़ आई वाज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें सबक सिखाता, तो इमेजिनरी वर्ड के लिए इफ़ आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इफ़ आई के साथ हम लोग क्या, इफ़ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, वेयर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा बल्कि वेयर होगा, तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, 21 में क्या एरर है। तो यहाँ पे ये एरर है कि अगर मैं होता, एक तो अभी मैंने इसके 20 वाले में जिक्र किया कि जब इमेजिनरी की बात होती है, कोई कल्पना की बात होती है, आई वुड, इफ़ आई वर यू आई वुड, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इमेजिनरी वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट के साथ बिल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये किस पार्ट में गलती होगी आपका, बी पार्ट में यहाँ पे गलती है। आइए 21 में देखते हैं, इफ़ सी वुड हैव कम टू मी वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड, 22 में क्या गलती होगा। तो यहाँ पे जो गलती होगा देख लीजिए, वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव और V3 दिखा, वुड हैव के साथ V3 दिखा, ठीक है, यहाँ पे वुड हैव के साथ V3 दिखा, तो फर्स्ट जो इफ़ क्लॉज में क्या होगा, हैड होना चाहिए था, तो सी हैड कम होगा, सी हैड कम टू मी, तो यहाँ पे वुड हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैड होगा, सी हैड कम टू मी, तो ये ट्रिक हुआ पकड़ने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इफ़ ही ड्रोव फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। अब देखिए ये जो V2 वाला वर्ड आ गया यहाँ पे क्या है, V2 पास्ट में है, पास्ट में है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो होगा यहाँ पे, अगर पास्ट की बात हो गई, सब्जेक्ट, हाँ 23 की बात हुई, तो V2 हो गया, तो यहाँ पे कैन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही के साथ, ही कैन के साथ कुड हो जाएगा यहाँ पे, अभी मैंने इसका जिक्र कर रखा था, तो बी पार्ट में गलती होगा यहाँ पे, जहाँ पे पास्ट इफ क्लॉज में पास्ट टेंस में होगा, मेन क्लॉज में कैन का कुड और विल का वुड हो जाएगा, ये बात को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए 24 की बात करते हैं, इफ़ आई वॉज अ मिलीनियर आई वुड सपोर्ट द मिलीनियम प्रोजेक्ट। अब देखिए फिर से ये कंडीशन, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी के लिए भी मैंने सिखा था कि इफ़ के साथ क्या होगा, इफ़ सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज़ होगा, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा बल्कि बेयर होगा, तो ए पार्ट में यहाँ पे गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल आई वुड हैव ब्रोकन, 25 में आते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो यहाँ पे स्टूड दिख रहा है ये आपका फिर से पास्ट टेंस में है, V2 में है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा
उट तो सही है, उट तो फिर से मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए। तो कंडीशन क्या था कि अगर आपका भी टू रहे, भी टू में अगर रहे इफ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में क्या होता है, उड प्लस भी वन। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो भी टू है पास्ट टेंस में, तो उड भी है मेन क्लॉज में, ठीक है। इफ क्लॉज में भी टू है, मेन क्लॉज में उड है, उड के साथ क्या होना चाहिए था, भी वन होना चाहिए था, भी वन, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट उड ब्रेक होगा, हैव ब्रेक नहीं होगा बल्कि सिर्फ ब्रेक होगा। तो सी पार्ट में यहाँ पे गलती है। चलिए, ये तो 25 में हो गया। अब आते हैं 26 वाले क्वेश्चन में। इफ सी वुड हैव वर्क हार्ड, सी वुड हैव पास्ट। अब देख लीजिए 26 में क्या होगा, फिर से यहाँ पे वुड हैव भी थ्री, वुड हैव भी थ्री का यूज़ हुआ, वुड हैव और भी थ्री, ये मेन क्लॉज की बात हो रही है। तो इफ क्लॉज में क्या होगा, इफ क्लॉज में होगा सब्जेक्ट हैड और भी थ्री। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हैड भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छा 27 की बात हो रही है ना, हाँ 27, ठीक 27, और भी थ्री भी है, तो ये तो परफेक्ट हो गया नियम के अनुसार कि वुड हैव यहाँ पे था कि चलो वुड। अच्छा, 26 में हूँ यार, ये वाले में आ गए, हमने 26 की बात कर रहे थे। तो 26 में क्या होगा, सब्जेक्ट है वुड है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था और भी थ्री होना चाहिए था, ठीक। तो ये वाला, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं मिस्टेक कर दिया 27 में। मैंने देख लिया कि अगर आपका जो है मेन क्लॉज में वुड दिखा, हैव दिखा, भी थ्री दिखा, पास्ट दिखा, वुड दिखा, हैव दिखा, भी थ्री दिखा, तो इफ क्लॉज में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हैड और भी थ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे वुड नहीं होगा बल्कि हैव होगा, ठीक। ही हैड, सी हैव, ठीक है, सी हैज़, हैव भी नहीं होगा यहाँ पे, सी के साथ हैज़ लग, हैड होगा, ठीक हैज़, यहाँ पे सी हैड वर्क हार्ड होगा। ओके चलिए, 27 में आते हैं कि इफ़ यू सी, इफ़ यू हैड सीन मी, यू शुड हैव स्टॉप योर कार एंड कम टू हेल्प मी। 27 में क्या होगा, जैसा अभी बताया था कि यू शुड हैव स्टॉप, शुड बोले वुड बोले, तो यहाँ पे देख लीजिए वुड हैव या शुड हैव भी थ्री है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैड भी थ्री है, परफेक्ट है, मीन्स की सही है, डी होगा इसमें, कोई एरर नहीं है, ठीक है। 26 वाले में तो आपको ए वाले ए में एरर था, जो कि मैंने बता रखा था कि यहाँ पे सी हैड वर्क हार्ड होगा, और इसी का सेम, इसी का कंडीशनल रूल इस पे लागू होगा 27 पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं 28 पे, देखते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ एंड द ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब देख लीजिए, सिचुएशन द सिचुएशन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपका मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज आपका क्या है, फ्यूचर में है, मेन क्लॉज आपका क्या है, फ्यूचर में है, तो जो आपका इफ क्लॉज होगा वो होगा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पे मेक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मेक्स होगा, और ये बिल कट जाएगा, ठीक। तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। 29 में आते हैं, अब देखते हैं 29 में क्या होगा। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। तो यहाँ पे बट का जो होता है विदाउट का अर्थ में यूज़ होता है, बट का विदाउट का अर्थ में यूज़ होता है, तो ये इस हिसाब से विदाउट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, अगर वो मदद नहीं करता तो पेशेंट मर जाता। तो ये आपका नोएर है, डी नंबर ऑप्शन में है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे 30 में भी फॉलो होगा, बट फॉर, बट के लिए यहाँ पे विदाउट का यूज़ किया गया, बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मैनी पीपल हैव वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, तो यहाँ पे भी विदाउट का सेंस में, तो यहाँ पे वो डी का आंसर होगा। मीन्स कि उसके तुरंत, उसके बिना तुरंत के एक्शन से कई लोगों का जो सेविंग्स लॉस्ट हो जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए, इट विल, आई विल कम इन केस इट विल रेन। इन केस के साथ मैंने बताया कि इन केस जब होगा तो इन केस के साथ क्या नहीं होगा यूज़, इन केस के साथ आपका 31 में, इन केस के साथ यहाँ पे जो होगा विल का यूज़ नहीं होगा, ठीक। इन केस के साथ हमेशा यहाँ पे बिल का यूज़ नहीं होगा, इट रेंस होगा, इट रेंस होगा, तो सी पार्ट में आपका एरर है। चलिए, 32 में आते हैं कि हैड द ड्राइवर, यहाँ पे रिवर हो गया, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, डी आगे जोड़ लीजिएगा आप, डी आर आई वी ई आर, हैड द ड्राइवर ओवर फ्लोन इट्स बैंक, फ्लड वुड हैव कम। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होगा, वुड हैव कम, ठीक है, वुड हैव भी थ्री का है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड भी सही है,
द ड्राइवर भी सही है, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ए पार्ट में गलती है, यहाँ पे ओवरफ्लोड होना चाहिए, ओवर FLOWED, FLOWED होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैड आई नो हिम आई वुड अलाउ हिम टू इंटर माई हाउस। 33 में, 33 में क्या होगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, हैड आई नोन, ये तो ठीक है, हैड सब्जेक्ट भीतरी है, तो इसके बाद जो मेन क्लॉज में होगा सब्जेक्ट वुड के बाद क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका हैव अलाउड होना चाहिए था, वुड हैव अलाउड, तो ये वाला पार्ट में गलती है, यहाँ पे आपको वुड के साथ हैव और यहाँ पे अलाउड होना चाहिए था। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप इसे, ये नियम है रूल से जो कि आपको स्टार्ट में वीडियो में बता रखा था। 34 पे आते हैं, फटाफट देखते हैं, यू विल नॉट गेट एल, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया यार, क्वेश्चन में देख लेता हूँ फिर से, 34 में, यू विल नॉट गेट वेल, अच्छा यहाँ पे वेल होगा, यहाँ पे डब्ल्यू छूट गया, आज वाले क्वेश्चन में दो तीन जगह मिस्टेक हो गया, जैसे यहाँ पे 32 में रिवर नहीं है, ड्राइवर है, और यहाँ पे 34 में वेल है, एल नहीं, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। अब देखिए अनलेस के साथ मैंने बता रखा है कि विल नॉट का यूज़ नहीं होता है, तो बी पार्ट में आपका गलती है। ठीक है, अनलेस के साथ विल नॉट का यूज़ नहीं होता है, या अनटिल के साथ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू, क्या गलती है, तो सपोजिंग के साथ हमने अभी बताया कि इफ का यूज़ नहीं होता है, तो आपका ए पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। 36 में क्या होगा गलती यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे गलती होगी, आफ्टर, आफ्टर का अभी मैंने एक चीज़ इसमें बताया था कि जब ये आफ्टर वाला सेंटेंस होगा ना, मतलब कि प्रेजेंट की किसी एक घटना कंप्लीट होने के बाद दूसरी होती है, तब वहाँ पे जो होता है वो जो होगा आपका, यहाँ पे देख सकते जो ये जो होगा ना नेक्स्ट वाला जो मेन क्लॉज होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, 36 में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, क्योंकि एक जो सेंटेंस है आपका, एक घटना आपका अगर फ्यूचर में घटा हो तो दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में घटता है। ठीक, तो प्रेजेंट की दो घटना, अगर आपका एक घटना जो पहले घट चुकी होगी तभी दूसरा होगा, याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, आफ्टर आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, आफ्टर यू, आफ्टर जब भी देखे तो यू के साथ यहाँ पे आफ्टर के बाद जब भी होगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होगा। ठीक, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आपका 36 में आफ्टर यू हैव रिटर्न द मीटिंग आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मतलब आपके जो मीटिंग खत्म हो जाने के बाद ही आपको मैं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊँगी, एक कंडीशन खत्म होगा तो दूसरी कंडीशन लागू होगी प्रेजेंट की। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये ट्रिकी है, इसमें नियम डायरेक्टली नहीं आते, इसमें आपको समझना होता है। 37 में आते हैं कि व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, तो 37 में क्या होगा, यहाँ पे 37 में आपको लिखना होगा, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी इंटर रिटायर्ड ऑन, यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, तो यहाँ पे यू हैव होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे हैव करना पड़ेगा, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर, मीन्स कि फिर से वही क्वेश्चन है, 36-37 जैसा ही है, एक कंडीशन खत्म होगा कि जब आप अपनी सर्विस को ख़त्म कर लेते तब आपको जो है रिटायर्ड होने पर आपको वो पेंशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, 36 और 37 जो ट्रिकी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये वाले में तो सी वाले पार्ट में गलती था भाई, चलो 36 में सी वाले पार्ट में गलती था, 37 में ए वाले पार्ट में गलती है। अब आते हैं 38 में क्या गलती है, वर सी आई सी वुड सी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। अब देखिए ये जो इमेजिनरी है, जैसे आई वर्ड यू या फिर वर सी आई, तो सेकंड जो क्लॉज होता है जिसको कहते हैं मेन क्लॉज, वहाँ पे बिल नहीं होता है, यहाँ पे वुड होगा, मीन्स की बी पार्ट में गलती होगा, यहाँ पे बिल के जगह पे आपको वुड करना होगा। गाइस आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन वाकई में समझ में आ रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चीज़ें समझ में आ गई, वरना आप मिस कर जाइए कुछ क्वेश्चन। अब देखिए, आई टोल्ड हर व्हेन सी केम टू दिल्ली आई शो हर ऑल हिस्टोरिकल मोमेंट्स। 39 में क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, जब आपका ये देख लीजिए कि यहाँ पे V2 है, और V2 के बाद यहाँ पे क्या है, वुड V1 है, ये तो सही है, वुड V1 सही है, V2 और सेकंड क्लॉज में आपका वुड
और भी वन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई टोल्ड हर वेन नहीं होगा, यहाँ पे वेन के साथ जगह पे आपको यहाँ पे दैट करना होगा, आई टोल्ड हर दैट, यहाँ पे दैट कनेक्ट करना होगा। तो ए पार्ट में आपको गलती है। नेक्स्ट 40 पे आते हैं। 40 में क्या गलती है, यू कैन स्केल हाई, स्केल दिस हाई पिक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली बात है, ये प्रोवाइडेड वाला वर्ड देख रहे ना, तो प्रोवाइडेड के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है, प्रोवाइडेड के साथ कभी विल का यूज़ नहीं होता है, तो सी पार्ट में आपका गलती है। आते हैं 41 में कि क्या गलती होगा, हैड यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ट, हैड यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे क्या होगा 41 में उड होगा, चूँकि हैड यू वर्क, हैड यू V3 है, तो यू के साथ यहाँ पे यू वुड हैव V3 होना चाहिए, तो यहाँ पे विल के जगह पे क्या होगा उड होगा, तो जो कि आपका सी पार्ट में गलती है। चलिए यहाँ पे इसको काटिएगा। अब आइए 42 में देखिए क्या है। 42 में वेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, तो ये तो गलती यहाँ पे कहाँ पे ये आपको पढ़ना है 42 में होगा कि यहाँ पे देखिए, अगर जो मेन क्लॉज आपका है, अगर आपका फ्यूचर में, तो आपका जो इफ क्लॉज होगा वो क्या होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पे वेन आई सी हिम होगा, वेन आई सी हिम होगा, ठीक है, वेन आई सी हिम। चलिए तो ए पार्ट में यहाँ पे भी गलती है। अब आइए 43 में देखते हैं क्या है। 43 में देखते हैं कि ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन इट विल कम बैक, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, तो क्या गलती होगा यहाँ पे, व्हेन आई गेट बैक होगा यहाँ पे, व्हेन आई गेट बैक, देखिए इफ क्लॉज के बाद जो होगा ये जो कंडीशनल है, तो कंडीशनल से पहले ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन, तो अगर एक आपका फ्यूचर में होता है, तो जो मेन, ये मेन क्लॉज जो आपका फ्यूचर में है, तो इफ क्लॉज क्या होगा आपका प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा लिख लीजिएगा, कहाँ पे लिखना था, हाँ 43 ही विल कम, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ही कम्स कीजिएगा, ठीक है, सी पार्ट में गलती है। तो एक पार्ट अगर आपका फ्यूचर में है, मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में है, तो आपका इफ़ क्लॉज वाला है, वेन के बाद जो सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए 44 में आते हैं क्या होगा, वेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ, तो यहाँ पे जो 44 में जो गलती है वो गलती होगा, वेन आई गेट बैक का प्रयोग यहाँ पर करना होगा, वेन आई गेट बैक, चूँकि ये देखिए ये है आपका, ये क्या है मेन क्लॉज अगर आपका फ्यूचर में है, ठीक है, मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में है, तो ये वाला जो है इफ़ क्लॉज क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पे व्हेन आई गेट बैक होगा, तो इस हिसाब से आपका ए पार्ट में गलती है। 45 में आता है कि आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम, तो 45 में जो गलती होगा व्हेन ही कम्स, फिर से देखिए कि व्हेन ही कम्स होगा, चूँकि देखिए जो ये मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में है, ठीक है, फ्यूचर में, तो यहाँ पे क्या होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पे व्हेन ही कम्स होगा, तो सी पार्ट में गलती है। 46 में आते हैं कि क्या गलती होगा, यहाँ पे देखिए हैड आई हैड सब्जेक्ट V3, तो इसके बाद जो होगा ये तो इफ क्लॉज हो गया, तो मेन क्लॉज में क्या होगा सब्जेक्ट वुड, यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट वुड हैव V3 होगा, हैव टेक नहीं टेकन होगा, तो सी पार्ट में गलती है। तो दोस्तों